स्वागत है आपका IPN न्यूज अरुणाचल प्रदेश में। मैं हूं करके बसर, आपके संवाददाता। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, मैं बसर लपारादा पे हूं। और मैं आपको बता दूं, मिस्टर हॉर्नबिल जो प्रेगनेंट हुआ था 2023 का, हमारे जो राजधानी ईटानगर पे होते, वहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से जो लड़के हैं, युवा लड़के हैं, आए थे, वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। तो पार्टिसिपेट करने के बाद हमारे लपारादा के लिए बहुत ही एक बड़ा शान की बात है कि हमारे यहाँ से गमजुम लाए, फर्स्ट रनर अप लाए हैं तो लपारादा पे। तो मैं आज हमारे बीच मौजूद है गमजुम लाए और उसके परिवार के जितने भी संघ हैं, आज उसके यहाँ पे सम्मान करने के लिए फूलों के हार के साथ यहाँ पे मौजूद है। तो मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। थैंक यू सो मच। तो हमारे जो जनता है, जो दर्शक है, उसे ये बताया कि ये हॉर्नबिल, जो हॉर्नबिल आपके जो प्रेगनेंट थे, आपको किस तरह मनाया गया है और आपका जो सफ़र है कैसा था वहाँ पे? ओके, सो सबसे पहले मैं मिस्टर ग्रैंड हॉर्नबिल के बारे में बताना चाहता हूँ। मतलब मिस्टर ग्रैंड हॉर्नबिल जो है, इस बार का फर्स्ट एडिशन था, जो कि एक स्टेट लेवल पेजेंट है, जिसमें मतलब हर डिस्ट्रिक्ट से, हमारे अरुणाचल के हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं, मतलब लड़के, स्पेशली यूथ मेल जो पार्टिसिपेट करने आते हैं। तो जर्नी के बारे कहूँ तो काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी रहा है मेरा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त बने हैं। एंड जो भी रहा है जर्नी में, जितना मतलब मेन हमारा मोटो क्या था, कल्चर एंड हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व किया जाए, तो उसके रिगार्डिंग हमने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। एंड इसका मोटो भी वही है कि प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चर एंड हेरिटेज। एंड आगे भी हम अभी विनर्स बन चुके हैं, तो हमारा ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम कैसे आगे में अपना कल्चर एंड हेरिटेज को प्रमोट करें, स्टेट लेवल हो, चाहे नेशनल लेवल हो या फिर इंटरनेशनल लेवल हो। तो मिस्टर ग्रैंड हॉर्नबिल का मेन मोटिव यही है। थैंक यू सर। तो इस सफर के दौरान आपको कुछ तकलीफों का सामना तो करना पड़ा होगा आप लोगों को, तो वहाँ पे दिक्कतें किस प्रकार की आई थी आपके? दिक्कतें तो थे, स्पेशली एज ए स्टूडेंट माइसेल्फ, मेरा एकेडमिक्स का थोड़ा प्रेशर रहा है मेरे ऊपर में, क्योंकि मैं अभी बीटेक फाइनल ईयर में हूँ, तो काफ़ी मेरा एकेडमिक थोड़ा प्रेशर रहा है, जैसे कि बीच बीच में असाइनमेंट्स वगैरह रहते थे, तो तकलीफ उस प्रकार के थे। एंड बाकी सब तो मैंने मैनेज किया है, क्योंकि जब मैंने ऑडिशन के लिए, जब पहले मैं ऑडिशन के लिए चला गया था, तभी मैंने मन में बना लिया था कि सबसे पहले तो मुझे एकेडमिक अपना बैलेंस करना पड़ेगा। एंड जो भी मिस्टर ग्रैंड हॉर्नबिल के साथ में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, उसको साथ में निभाते हुए, तो मैंने माइंड में बना लिया था एक्चुअली, तो इसीलिए काफ़ी हद तक मेरा सक्सेसफुल रहा है ये चीज़। थैंक यू सो मच। ऐसे आपके कितने यूथ पार्टिसिपेट किए थे आपके यहाँ? टोटल एक्चुअली ऑडिशन से ले शुरू करें तो बहुत सारे ऑडिशन में तो आए थे, अबव ग्रैंड जब हमारा ऑडिशन हुआ था फाइनलिस्ट के लिए, तब ऑलमोस्ट 40 लोग आए थे, मतलब 40 लड़के आए थे, उसमें से हमारा 22 फाइनलिस्ट मतलब सेलेक्ट हुआ था उसमें, तो उसमें से हाँ, उसके बाद जो है बाकी सब फिनाले में सब कुछ हो गया उसके बाद। तो अभी चलते चलते अभी आप फर्स्ट रनर अप भी है, आप मिल चुके हैं, तो आने वाले जो युवा है, हमारे जो लड़के हैं, तो उसको आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे ये जो प्लेटफॉर्म है मिस्टर ग्रैंड हॉर्नबिल, इसको बस पेजेंट की नज़र से ना देखें, ये एक यूथ्स के लिए, स्पेशली हमारे स्टेट के यूथ्स के लिए है, जो कि मतलब हमारे यहाँ क्या होता है कि अंडर कॉन्फिडेंट बहुत होते हैं लड़के यहाँ पे, एंड ऑलमोस्ट यूथ, तो उन सभी के लिए ये एक मैसेज है कि सभी आए इस प्लेटफॉर्म में, आप इस प्लेटफॉर्म में अपने आप को मतलब दोहरा के देखें, ताकि आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पेजेंट या में ग्लैमर नहीं है, इस पे आपका बहुत कुछ होता है, जैसे कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सबसे पहली बात तो आपका पर्सनालिटी जब डेवलपमेंट होता है, तो खुद ब खुद आप प्रोग्रेस करने लगते हैं लाइफ में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यूथ को एक मैसेज देना चाहता हूँ इसके बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे जितने दर्शक और व्यूअर्स, मैं उसे बता दूं कि हमारे साथ अब मौजूद है गोची चिराम,
जिन्होंने सेकंड रनर अप मिले हैं हमारे जो हॉर्नबिल जो पिकनिक जो हुए थे ब्यूटी पिकनिक में, तो हमारे राजधानी ईटानगर पे, तो उसके परिवार के संग भी लोग यहाँ पे मौजूद है उसे सम्मानित करने के लिए। तो सबसे पहले आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई लपाला था की ओर से। यंग यूथ को हम बोलना चाहिए कि ये पेजेंट में पार्टिसिपेट करो, अगर आप पार्टिसिपेट करेगा तभी आप जान पाएगा कि इसके आपको क्या सीखने को मिलेगा। और लोग सोचते हैं कि ये पेजेंट जो हम एजुकेशन या एक इंसान को गलत डायरेक्शन में ले जाता है, बट ये ऐसे नहीं है। इसमें आपको बहुत सीखने को मिलेगा, जैसे कि आपका पर्सनल डेवलपमेंट होगा इसमें, और आपको आपका ओपिनियन रखने को मौका मिलेगा कि आप क्या सोचते हैं सोसाइटी के आगे, आपको ये सब सीखने को मिलेगा। तो जैसे कि अभी हमारे फर्स्ट रनर आपने भी कहा, वो एक बीटेक स्टूडेंट है, तो उसके पढ़ाई में काफ़ी तकलीफ हुआ उसको, तो आपके जो सफ़र में आपको किस किस तरह का कठिनाई तकलीफ हुआ इसको लेके? सो आई एम स्टूडेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एट हिमालयन यूनिवर्सिटी। तो मेरा जर्नी तो एजुकेशन नहीं बोलने से, मैम एचओडी के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, तो मेरा इतना भी तकलीफ नहीं हुआ है। और यहाँ पे डिफ़िकल्टीज बोलने से, आई हैव रियल गुड फ्रेंड्स जो मुझको बहुत सपोर्ट किए थ्रू आउट द जर्नी, और मेरा फैमिली भी बहुत सपोर्ट किया। और बोलने से तो पेजेंट में हम और गमजुम था यहाँ पे लपारादा से, तो हम दोनों एक दूसरे को भी बहुत मदद किया जितना हो सके। अभी जैसे आपके आपने कहा कि आपके फैमिली से भी बहुत सपोर्ट मिला, आपके जो यंग आपके जो फ्रेंड्स से भी बहुत आपको सपोर्ट मिला, तभी जैसे अभी चलते चलते आप अभी तो आने वाला जो फीरी है यंग जो युवा लड़का है, उसको आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? एक ब्यूटी जो अभी जो प्रेगनेंट होता है तो उसको बहुत सा लोग एक निगेटिव, जैसे आपने कहा कि बहुत सा लोग निगेटिव में देखते हैं, तो इसको आप लेके क्या बोलना चाहो? हम बोलेगा कि पार्टिसिपेट करो, अगर आप ट्राई करोगे तो पता चलेगा कि आपका पास कितना एबिलिटी है ये पेजेंट को लेके, और अगर आप नहीं करोगे तो कैसे मालूम होगा कि आप कितना आगे तक जा सके इस प्लेटफॉर्म को लेके। तो हम बोलेगा कि यूथ को कि आप नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सीजन में ट्राई कर सकते हो। तो अभी और इससे जो जो आपका जो हॉर्नबिल जो आपका प्रेग्नेंट हुआ है, तो वहाँ पे आपके जो मेंबर थे उसके जो उसके साथ आप लोगों के रिलेशन बिहेवियर कैसा रहा? और रिलेशनशिप सबके साथ अच्छा था, क्योंकि ऑल ओवर अरुणाचल से बहुत 22 कंटेस्टेंट आया था जो बहुत कॉम्पिटिटिव था, यंग था और टैलेंटेड था, पर हम लोग खुद पे भरोसा रखा है और तब आज हम लोग जाके यहाँ पे पहुँचे। और वो लोग जो मतलब वो लोग से हम लोग को बहुत सीखने को मिला कि क्योंकि हम लोग सब डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आए एजुकेशनली बोलने से, तो वो लोग का जितना क्वालिफिकेशन है वो उसको मालूम चल रहा था हम लोग को, कि वो लोग भी हम लोग को सीख दे रहा था कि पेजेंट तो दे रहा ही था, पर वो लोग भी हम लोग को दे रहा था कि कैसे थिंक करना है और कैसे अपना ओपिनियन को चेंज करना है, ये सब दिया हम लोग ने। ओके थैंक यू। तो आप हमारे साथ बने, इस प्रकार का जो है न्यूज़ मैं आपके साथ लाने की कोशिश करता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा, फिर मिलेंगे।